हेलो, दिस इज़ के एम एस सर। कल नीट का एग्जामिनेशन रहा और नीट का एक क्वेश्चन पेपर, नीट के जो क्वेश्चंस थे वो इजी टू मॉडरेट रहे और ज़्यादातर वही क्वेश्चंस पेपर में आए जो हमने एक दिन पहले बताए थे। बहुत सारे क्वेश्चन उनमें से देखने को मिले और जो हमने आपको ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाया था, जितना पोर्शन हमने पढ़ाया था एक क्वेश्चन भी उससे बाहर अभी तक नहीं आया जितना सिलेबस मैंने पढ़ाया था लास्ट में। अच्छा, सबसे पहली बात हमने आपको बताया था कि एक दिन पहले वीडियो में कि सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने के लिए क्वेश्चन जरूर आएगा, मैंने पहले ही बता दिया था एक दिन पहले, और वो क्वेश्चन सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने के लिए आया प्री डिन में, जिसमें कि 11 सिग्मा थे, 3 पाई थे और एक एलपी था। पहला क्वेश्चन मैंने बताया था कि भाई एमओटी पे क्वेश्चन आएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे अगर देखें तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन दे रखा था वो क्वेश्चन सीधा एमओटी से निकल के आया क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि स्टेबिलिटी, मैंने आपको बताया था कि स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आएगा। स्टेबिलिटी में कीलेट दे दिया आपको, जहां पे दिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3 कंपाउंड दिए हैं और एक आपको दे रखा है ईएन। ईएन का मतलब इथाइलिन डाइएमाइन, यानी कि इथाइलिन डाइएमाइन कीलेट है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि भी स्ट्रक्चर्स जरूर प्रिपेयर कर लो आप, स्ट्रक्चर के बेस पर आएगा। और स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन निकल के आया है कि इनमें से AlCl3 दे रखा है, PCl5 दे रखा है, BF3 दे रखा है, NH3 दे रखा है, कि इनमें से किस में लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो सीधा क्वेश्चन आ गया। आगे पहुंचो, इसके बाद मैंने बताया नेम रिएक्शन पढ़ लेना। नेम रिएक्शन में देखिए वोल्टा डायरेक्शन पे क्वेश्चन निकल के आया है। पॉलीमर के लिए मैंने कहा था आपको, एक टेबल दी थी कि स्क्रीन पे मैंने दिया था टेबल के अंदर कि ये आप पढ़ के चले जाना, इनसे ही क्वेश्चन निकल आएगा। तो पॉलीमर में उस टेबल से क्लोरोपीन प्रीन वाला, न्योप्रीन वाला क्वेश्चन एज इट इज आया है। मैंने कहा था पी ब्लॉक से कि भाई ऑर्डर पूछ लेगा आपसे, 11th क्लास के पी ब्लॉक से ऑर्डर आएगा कोई सा।